तो वेलकम आप सभी को इस चैनल पे। हाँ जी, यस बैंक में अपडेट लेके आया था। आज यस बैंक में देखा तो जहाँ रिजल्ट के बाद ये अच्छा खासा फॉल आपको देखने मिला था 199 का, वहीं पे ये 235 का हाई भी बनाया। अगर कोई भी आप मेरे प्रीवियस वीडियो को, ये जो मैंने दिया था यस बैंक में आ रहा हूँ जाने मन 220 और 245 के बाद, तो आज आपको लगभग दोनों टारगेट हिट होते हुए देखे। और मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि जो अपॉइंटमेंट होने वाला है, CNBC कन्फर्म कर रहा है कि जो लगता है कि रणवीर जी जो हैं वही डच बैंक के जो हैं गिल साहब, शायद वही फाइनली यहाँ के लिए अप्रूव होंगे। और आज वैसा ही देखते हैं को मिला, और आज फाइनल न्यूज भी आ गया कि वही रहेंगे MD एंड CEO यस बैंक के लिए। तो ये एक न्यूज़ था। तो अगर मैं देखूँ तो आज वॉल्यूम देखिए आप कितने, 12,76,00,000, मैंने इतना वॉल्यूम कभी नहीं हुआ होगा जो अकेला इस में वॉल्यूम हो गया। 4,48,00,000, 5,48,00,000 का हो रहा था, वहाँ सीधा 12,76,00,000 का वॉल्यूम हुआ है। आज डिलीवरी परसेंटेज भी क्या, अगर इसका मैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज कहूँ तो ये भी एक अच्छा है वॉल्यूम। ये भी 210 केजी का 215 में हाई वैल्यू पे क्लोज हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे एक टाइम, ये देखिए कहाँ से कैसे पहुँचा है। तो निफ्टी बैंक को एक बहुत ही अच्छा राहत देने की कोशिश किया था, और निफ्टी बैंक में अच्छी खासी पोजीशन, ये बैंक लास्ट मोमेंट में आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे उठा के लेके चला गया ये, और अच्छी खासी पोजीशन पे क्लोजिंग भी निफ्टी बैंक में दी थी। आज देखेंगे तो बुक वैल्यू से 111 है, 1.92% प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिलीवरी परसेंटेज अभी भी इसमें उतना नहीं आया है, तो ठीक है डिलीवरी परसेंटेज नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको वापस अगर ये नीचे जाता है 196 के आसपास जाता है तो आप इसको बाय करें, अपने पोर्टफोलियो में रखें। अभी एक बार ये आपको ऊपर की ओर हो सकता है दिखाएगा, और लगता है अगर अब तो यहाँ पे एक बार 196 जो 9 डेज का डेमा है इसको क्रॉस करके खड़ा है, और इनफैक्ट आज जब ये 235 क्रॉस किया था तो 21 दिन का डेमा जो कि 219 था उसको भी क्रॉस कर दिया था, तो था कि अपने को ये 240 261 के लेवल जो कि 50 दिन का डेमा उसकी ओर जाता हुआ दिख रहा था। वो तो हो सकता है ये दिखाए उसकी ओर जाते हुए पॉजिटिविटी कैंडल बना है। कैंडल जो बना बहुत खराब नहीं है, कैंडल अच्छा है। और अगर मैं डेली बेसिस के कैंडल की बात करूं, ये वीकली था, अगर डेली बेसिस की बात करूं तो डेली बेसिस पे इसने यहाँ तक 50 दिन का डेमा 199, 193, 197 सभी डेमा को तोड़ते हुए, इनफैक्ट एक टाइम में 100 डेमा को क्रॉस करते हुए 241 की ओर जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि 150 दिन का डेमा है, फिर लेकिन वहाँ से नीचे आ गया। तो अभी वो अपना जो सपोर्ट लिया हुआ है वो 50 दिन का डेमा जो है अपना, उसको देखिए 50, 20, 21 सारे को नीचे सपोर्ट लेते हुए इसकी ओर यहाँ पे 221, तो हो सकता है कल आपको एक बार ये वापस 221, 241 और 268 की ओर जाते हुए आपको दिखे। ऐसा डेरिवेटिव में भी पोजीशन बन रहा है तो ऐसा हो सकता है, तो उसका रीजन एक बार जान लें। तो एक बार ये प्रॉफिटेबिलिटी देख लें जो आया, जो यस बैंक का डिक्लेयर होके आया था। आप देखेंगे तो दिसंबर के जो इंटरेस्ट इनकम, इनका जो अर्न इनकम इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग और बिल और बिल्स जो लेते हैं, तो जहां 38,000 करोड़ का 3,800 करोड़ का था दिसंबर 17 में, वहां पे 5,500 सितंबर 18 में हुआ था, तो वहां से बढ़ा हुआ है। तो इनकम इंटरेस्ट इनकम में गेन है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट में भी देखिए 1,000 की जगह 1,500 की जगह 1,600 आया है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑन डिस्काउंटिंग में भी यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन विद RBI यहाँ पे कमी है, और अदर इनकम में भी देखेंगे यहाँ पे अदर जो है वो भी अच्छा है। अदर इनकम जो है, इसके अलावा अदर एक इनकम वहाँ पे गिरावट है जो 1,422, 1,473 यहाँ पे गिरावट है। तो ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये बढ़ के है थोड़ा 1,352 है। ओवरऑल अगर प्रॉफिट के हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो थोड़ा घट के आया है, जहाँ 2000 करोड़ का दिसंबर 17 में था तो वहाँ पे 2019 आया, और जो अक्टूबर में 2,366 करोड़ था वहाँ पर 1,990 करोड़ आया। प्रोविजन देखेंगे तो आप कंडेंसी जहाँ पे ये 421 का था वहाँ पे 550, अगर दिसंबर 17 में ज़्यादा हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 939 की जगह 550 हुआ है,
मीन्स अगर आप इसको सितंबर 18 के कंपेरिजन में देखेंगे तो प्रोविजन यहाँ पे कम हुआ है। प्रॉफिट एंड बिफोर देखेंगे तो 1500 से 1426 मतलब दिसंबर, चूंकि यहाँ प्रोविजन कम हुआ तो उसके समय दिसंबर 18 से अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और आफ्टर प्रॉफिट टैक्स टैक्स के बाद 1001 करोड़ का है। अगर ईपीएस की बात करें तो 4.70 था दिसंबर 17 में, 4.18 रहा और अभी थोड़ा इम्प्रूव होकर 4.33 दिख रहा है। अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 2900 करोड़ का था दिसंबर 17 में, वहाँ पे 3800 करोड़ का आया आपको लास्ट क्वार्टर में, यहाँ पे आपको सितंबर में, और अभी आया है दिसंबर में जो आया है वो ग्रॉस एनपीए 5158 करोड़ का है। नेट एनपीए 15,2,2800, ये भी बढ़ के आया है। तो जहाँ परसेंटेज में देखें तो 1.72 था ग्रॉस एनपीए दिसंबर में, लास्ट क्वार्टर 1.6 था तो उससे बढ़ के आया है। एनपीए परसेंट एनपीए देखें तो जहाँ पे 0.93 था 0.84 वहाँ पे 1.18 आया है परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए। रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 1.70 लास्ट क्वार्टर को मेंटेन किए हैं। तो ये इसकी फाइनेंशियल है, ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो जैसा बताया एनआई नेट इंटरेस्ट इनकम जो बढ़ के आया 41% आप आया है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है से डाउन आया 6.97%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1990 करोड़ दिसंबर, डाउन 0.57%। यस बैंक ईपीएस इंक्रीज 4.33 रुपीज, 2 रुपीज 4.33 दिसंबर फ्रॉम 4.70 दिसंबर। तो ये रिजल्ट की बात हुई जो इनका रिजल्ट डिक्लेयर आ चुका दिसंबर का, लेकिन उससे पहले एक मैसेज आया था यस बैंक शेयर सर्ज 19% इंट्राडे ऑन थर्सडे आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एमडी सीईओ ऑफ द लेंडर एंड नेट इंटरेस्ट इनकम इन द क्वार्टर थ्री बिट्स एस्टिमेट्स। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो आया क्वार्टर थ्री का वो बिट्स किया जो एस्टिमेट किए थे उसे आगे निकला, तो वहां पे शेयर प्राइस में एक जंप आया, ट्रिम्ड 8% टू क्लोज ऑन प्रॉफिट बुकिंग। द फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर सेड इट हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल फॉर इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ व्हिच इज रवनीत सिंह गिल फॉर हिम टू ज्वाइन ऑन और बिफोर 1 मार्च 2019। तो जैसे कि आप जानते हैं राणा कपूर जा रहे हैं 31 जनवरी को, तो ये उसके पहले मार्च 1 के पहले रवनीत सिंह जो न्यू एमडी एंड सीईओ होंगे वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि डच बैंक में 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको यहाँ पे पहले भी बताया था, ये देखिए एमडी सीईओ जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, इस वीडियो में पूरा डिटेल था उनका, तो वो ज्वाइन करेंगे। इसके कारण एक अच्छा खासा जंप मिला शेयर में और अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पे अपग्रेडेशन आपको देखने को मिली जो कि 235 तक ले गया और निफ्टी बैंक में पॉजिटिव सिग्नल में जाके लास्ट मोमेंट में खड़ा कर दिया, जो नीचे जा रहा था उसको ऊपर ले गया। तो यस बैंक में आप वापस हो सकता है, यहाँ पे आपको 222 और 240 का लेवल देखने को मिल सकता है। डेरिवेटिव में कहें तो आप सबसे सॉलिड पोजिशन देखिए यहाँ पे यस बैंक है 225 का लेवल है और 31 जनवरी का है। तो यस बैंक एट द मनी 225 की बात करें तो 225 में आप देखेंगे 217,000 का एडिशन हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे 208,000 का शॉर्टिंग हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो पुट की ओर शॉर्ट हो रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे 2,220 के ऊपर भी शॉर्ट चालू कर दिया, मीन्स अब इसको 220 के ऊपर भी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं और आज ही 10 लाख का एडिशन किया और 210 पे 12 लाख का, तो ये 200 पे देख रहे हैं आप 17 लाख का। तो लोगों को ये बिलीव है कि 200 अभी बहुत अच्छा एक सपोर्ट के रूप में है जो कि 36 लाख का है, वो अभी इतना नीचे अब नहीं जाएगा और लोगों ने 210 220 पे शॉर्ट करना चालू कर दिया, सपोर्ट ले लिया उसको। ऊपर की ओर देखें तो अब 230 पे आज एडिशन हुआ 16 लाख का, 240 पे 12 लाख का और यहाँ पे जो आप नीचे देखेंगे 200 पे और 200 जो शॉर्ट कर रहे थे वो निकले और जो प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक करके ऊपर की ओर जा रहे थे। तो ऊपर की ओर आप देखिए प्राइस में इंक्रीज है तो बाइंग हो रही है और इधर डिक्रीज है तो शॉर्ट किया जा रहा है इसको। तो आप यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे आप देखेंगे 180 आसपास जो भी था 180 के 27,40,000 अब यहाँ पे लोग यहाँ से अनवाइंडिंग करके बाहर निकल रहे हैं या तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो अब ऊपर की ओर लेवल देखेंगे तो यहाँ पे आज 240 पे 12 लाख का, 230 पे 16 लाख का अच्छा खासा एडिशन हुआ है और तो हो सकता है ये आपको एक बार अभी और 40 लाख का बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है यहाँ पे 230 पे, वापस आपको 230 की और एक बार कल आपको जो आज तो लेके गया ही वापस एक बार 230 240 की और ये ट्राई करेगा। एक अच्छा स्क्रिप्ट है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है जैसा आपने देखा
तो आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए। और अगर होगा, अगर आपने इसके बाद लिया होगा, तो आज आप इंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो सिर्फ मैंने ये वीडियो बना था आपको, ये 15 जनवरी और आज 24 जनवरी है, तो 6 दिन 7 दिन में आपने आज आप अच्छा खासा 15-20% का गेन एक दिन में आप कितने दिन में देख लिया आपने। तो ये यस बैंक के लिए अपडेट था। यस बैंक वापस आपको 222-240 के लेवल को दिखा सकता है। यस बैंक अभी भी पॉजिटिव है। और यस बैंक का अगर मैं एट द मनी 225 का कॉल देखूं, जो 1750 का लॉट साइज होता है, तो आपको 11 रुपये पर मिल रहा है। अभी भी इसमें अगर देखें तो पोजीशन 6 दिन का है, तो कल के लिए अब शायद ज़्यादा दिन नहीं है टाइम इसका, अदरवाइज आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलता है। फिर भी अगर किसी के पास पोजीशन होगा तो इसको कल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। आगे देखिए कैसा रहता है न्यूज़, तो आगे कल ओपन हो सकता है, ये गैप अप ओपनिंग ही कल कर दे तो आपको शायद फ़ायदा देखने को नहीं मिले, क्योंकि जो न्यूज़ आया है हो सकता बहुत लोगों को मालूम नहीं हो। तो ये 4:02 में आया है MDCO जो अरविंद जी का आया है, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, तो हो सकता है कि कल गैप अप ओपनिंग ही यस बैंक आपको दे दे। फिर उसके बाद वहाँ पोजीशन ये किस लेवल पे जाता है, किस लेवल पे स्टे करता है, वो एक है जिसके पास पोजीशन होगा और बैक पोजीशन होगा तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे तो ऊपर प्रेशर आएगा। तो यस बैंक में एक छोटा सा ये अपडेट था, बस आप ऐसे वीडियो देखते रहें। लेकिन मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने के पहले आप खुद अपना स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, फ्री मार्केट में पोजीशन बनाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको जब एग्जिट करना है उस समय आपको मालूम नहीं है कब एग्जिट करना है, क्या स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आप एक बार 196 का शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए है, 196 का स्टॉप लॉस के साथ करें, आप बाइंग पोजीशन पे इसमें रह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मार्केट में कोई भी डायरेक्ट पोजीशन बनने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चैनल है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।